ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट हमारे लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। एक बार फिर से मैं आपको शुरुआत से अब ये पेंटिंग दिखाती हूँ कि शुरुआत ये है स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि ये लगभग 1.5 साल हो चुका है हमें कहा जाता है अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो इस समय खतरा है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो क्या खतरा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है। ये जो बिल्कुल बड़ी सी पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसी महामारी से हम लोग 1.5 साल से जो है वो जूझ रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है लगभग इस महामारी को हम लोगों की ज़िंदगी में आके, हमारी ज़िंदगियां जो है थम सी गई हैं। इसलिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, नहीं तो घर से बाहर निकलेंगे, ये कोविड घर से बाहर आपके लिए अपनी बाहें फैला के खड़ा हुआ है कि आप लोग आएंगे और ये आपसे कहेगा आग गले लग जा, जैसे कि यहाँ पर पेंटिंग में लिखा भी गया है कि अगर आप लोग घरों से बाहर आए तो कोरोना वायरस जो है आपके लिए बाहर अपनी बाहें जो है वो खोल के खड़ा है। इसीलिए आप लोगों को घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है, क्योंकि घर पर रहने से सिर्फ आप ही सुरक्षित ही रहते हैं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी सुरक्षित रहते हैं। अगर आप लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो आप किसी ना किसी इन्फेक्शन के शिकार होंगे, और जब आप घर जाएंगे आपके घर परिवार में कितने ज़्यादा लोग होते हैं वो लोग भी इस चीज़ से ज़रूर जो है वो इफ़ेक्टेड होंगे। इसीलिए यहाँ पर ये पेंटिंग बनाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप लोगों को घर पर रहना है। और ये जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, वीडियोस दिखा रही हूँ, भारत माता चौक यानी कि सिटी चौक के हैं, और ये मार्केट जो है हमेशा बिजी मार्केट रहती है। इसीलिए यहाँ पर लोगों को अवेयर करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि इस महामारी से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, काफ़ी अर्सा हो चुका है कि हम इस महामारी से जूझ रहे हैं। तो हम लोगों को घर पर रहकर सुरक्षित रहना है, क्योंकि हमें बार बार यही कहा जाता है कि हम लोग घर पर रहेंगे तो हम लोग तो सुरक्षित है ही हैं, साथ ही साथ हम अपने परिवार वालों की देखरेख जो है वो भी कर रहे हैं। इतना समय हो चुका है कि कोविड जो है वो चल रहा है, लोगों से यही हिदायत दी जाती है, लोगों से यही कहा जाता है कि आप लोग घरों पर रहें, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज वाले जो कि हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं, उनमें हमारे जितना भी मेडिकल स्टाफ आता है, हमारे कोरोना वॉरियर्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स आते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं, वो सारे जो है बाखूबी काम कर रहे हैं, और वो आपके लिए जो है अपने अपने घरों से बाहर इस महामारी के बीच में भी, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो चाहे महामारी हो, वो अपना काम जो है अच्छे से करते हैं। और आप लोगों से सिर्फ यही मांगते हैं कि आप लोग घरों में रहे, क्योंकि शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है कि वो आप लोगों का चालान करते हैं। इस समय डॉक्टर्स को अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर्स जो है उन लोगों का भी कहीं ना कहीं कहना है कि हम लोग मजबूर हो चुके हैं, हम लोगों ने इतना ज़्यादा अपने आप को मजबूर कभी फेस नहीं किया, क्योंकि इस समय कंडीशन जो है कुछ ऐसी चल रही हैं। हर बार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हर एक खबर जो है वो रूबरू कराते हैं, और अब ये अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुँचाई जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है पेंटिंग के थ्रू। और ये पेंटिंग सिर्फ भारत माता चौकी में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर बनाई गई है, सबसे ज़्यादा जो बिजी मार्केट्स रहती हैं वहाँ पर बनाई गई हैं। जैसे मैंने बात की कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस 24 घंटे काम करते हैं, आप अभी भी यहाँ पर देखें आते जाते हर एक व्यक्ति को जो है रोककर पूछा जा रहा है, क्योंकि एसेंशियल के लिए जो है वो 6 से 10 का ही समय होता है, उसके बाद जो लोग बाहर निकलते हैं उन लोगों से पूछताछ की जाती है, उन लोगों के आईडी कार्ड जो है वो भी चेक किए जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को वर्बली तो उनको समझाया जाता है वर्बली कि आप लोग घरों से बाहर ना निकले, वर्बली उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अवेयर किया जाता है। तो एक ये भी माध्यम था कि लोगों को अवेयर किया जाए एक पेंटिंग के थ्रू कि आप लोग घरों में रहें क्योंकि बाहर ना निकले। पेंटिंग में भी दर्शाया गया है कि कोरोना वायरस जो है वो अपनी बाहें फैलाकर आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपको अपने घरों में रहना है, उसका इंतज़ार इंतज़ार ही रहने दे, आप लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और ऐसे जुड़ रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ।